गोरखपुर के नगर निगम के एक कर्मचारी ने अपने रिटायरमेंट के बाद भी 3 साल तक फर्जी तरीके से नौकरी करता रहा। 3 साल तक नौकरी करने के बाद जन्मतिथि में सुधार के लिए आवेदन किया, फिर पकड़ा गया। नगर आयुक्त ने जांच का आदेश दिया। इस कर्मचारी का नाम शरीफ अहमद है, जो नगर निगम के जन्म मृत्यु कार्यालय में कार्यरत था, जो अपने रिटायरमेंट के बाद भी 3 साल तक नौकरी करता रहा, जिसका वास्तविक जन्मतिथि 1959 है, जिसने फर्जी तरीके से अपनी जन्मतिथि में बदलाव करके 1964 करा लिया था, जिससे 2019 में रिटायरमेंट होना था, लेकिन वो 2022 तक नौकरी करता रहा। 3 साल तक नौकरी करने के बाद जन्मतिथि में सुधार के लिए फिर दोबारा उसने आवेदन किया था, लेकिन उसी दौरान जब दस्तावेज की जांच की गई, फिर उसका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। नगर निगम के अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्रा ने संदेह के आधार पर इसका जांच कराया, तो शरीफ अहमद के MSCI इंटर कॉलेज का सत्यापन कराया था। सच्चाई सामने आया कि वह अपनी नौकरी गलत तरीके से कर रहा था। नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि शरीफ अहमद के मामले की जाँच की जा रही है। 4 सदस्यों की टीम बना दी गई है, उससे धनराशि की वसूली की जाएगी। जाँच में दोषी पाए जाने के बाद मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, शरीफ अहमद नाम का, जो कि एक कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत है, जांच में सामने आया है कि इन्होंने पहली बार 2019 में अपनी जन्मतिथि में खुद ही उसको चेंज करके उसको बढ़ा लिया, और उसके दोबारा ये फिर जो 24 में पहले वाले में जो 24 का इसका रिटायरमेंट था, उसको इन्होंने 26 करने की मांग करते हुए प्रार्थना पत्र दिया, और उसमें अपने जो उनके दस्तावेज थे उसमें उन्होंने परिवर्तन किया। जब उनकी सेकंड टाइम उनकी एप्लीकेशन आई तो इसकी पूरी जांच कराई गई, और जांच कराए जाने पर प्रारंभिक रिपोर्ट अपर नगर आयुक्त प्रथम ने दिया। उस रिपोर्ट के आधार पर हम लोगों ने एक जो है 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसमें हमारे दोनों अपर नगर आयुक्त और वित्त एवं लेखाधिकारी शामिल थे। इनकी जांच रिपोर्ट से भी ये स्पष्ट हो रहा है कि शरीफ अहमद ने अपनी जो रिकॉर्ड्स थे, जो उनकी सर्विस बुक थी, उसके साथ उन्होंने कूट रचना करते हुए छेड़खानी की है, उसमें अपनी जन्मतिथि में परिवर्तन किया है। जांच आख्या से ये भी पता चलता है कि जब अपर नगर आयुक्त ने इनकी वास्तविक जन्मतिथि के संबंध में, जहां से इन्होंने हाई स्कूल पास किया था, वहां से भेजकर वहां के प्रधानाचार्य से इसकी जानकारी प्राप्त की, तो प्रधानाचार्य का लिखित में जो लेटर आया है उससे इनकी जन्म की जो तिथि है वो 1959 निकल कर सामने आ रही है, जिसके आधार पे ये सुनिश्चित हो जा रहा है कि इनके द्वारा अपने जन्म की जो तिथि थी उसमें हेराफेरी करते हुए सर्विस बुक में भी छेड़खानी की गई है, उसमें चेंजेज किए गए हैं, जो कि गंभीर अपराध है। और इन्होंने अपने वास्तविक रिटायरमेंट की तिथि से जितने समय भी ज़्यादा धोखाधड़ी के माध्यम से इन्होंने काम किया है, उसका आकलन करते हुए भू राजस्व के भांति इनसे उस बकाए धनराशि की वसूली भी की जाएगी, और इनके खिलाफ़ कठोर वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।